वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइस। ये मेरा फर्स्ट फुल मैच का एक वीडियो है जो कि बहुत लोग ने सजेस्ट भी किया था और मेरा भी मन था ये करने के लिए। सो हियर इट इज़ एंड दिस मैच इज़ ऑल अबाउट डुओ वर्सेस स्क्वाड, जहाँ पे हम लोग ने रश गेम प्ले खेलने का ट्राई किए है। सो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द मैच। सो जब मैच स्टार्ट हुआ हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग का ड्रॉप लोकेशन चार्जेबल कंटेनर्स में होना चाहिए, बिकॉज चार्जेबल कंटेनर्स आर द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ रश गेम प्ले वीडियो। सो लेट्स सी क्या होता है, कितना हम लोग चार्जेबल कंटेनर्स में फाइट ले सकते हैं। सो हम लोग जब लैंड कर रहा था तो उस समय हम लोग ने 3 स्क्वाड आते हुए कंफर्म देख लिया, तो यह एक अच्छी बात है कि फाइट होगा, अच्छा फाइट होगा। तो आते ही अपन को VSS मिल गया। सो वहाँ पे 2 बंदा उतरा और सामने ही और एक बंदा उतरा था, लेकिन उसको मैं जब स्कोप खोल के मारने की कोशिश किया लेकिन मैं नहीं कर पाया। चलो कोई ना, होता है। और यहाँ पे जब और एक बार कंटेनर्स में देख रहा था तो और एक बंदा दिखा, उसको हिट भी पड़ा लेकिन उसको नॉक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा गन रिलोड में चला गया था। तो जब नीचे आया तो वही बंदा, देख लीजिए वही बंदा फिर से नीचे आ गया था। तो उसके पास गन नहीं था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था फ्री का किल लेने का और मैंने वही किया। मेरा फर्स्ट किल कंफर्म हो गया था और उसी के साथ मेरा बुलेट्स भी ख़त्म हो गया। तो अब मुझे गन चाहिए था और अपन को यहाँ पे UMP दिख गया, तो UMP ले लिया अपन, कुछ तो मिला चलो। और जब अंदर आया तो लेवल 3 का बैग और बाइसन और थोड़ी 9mm की बुलेट्स भी मिल गया था। तो अब मेरे पास 2 बंदूक है जिससे हम फाइट ले सकते हैं। तो लेवल 1 का एक हेलमेट भी मिल गया। तो जब बाहर आते ही एक बंदा तो स्पॉट हो गया, लेफ़्ट वाला ब्लू कंटेनर्स के वहाँ से पिक कर रहा था, तो अपन भी पिक एंड फायर कर दिया। चलो नॉक हो गया, बढ़िया बात है। तो अपन उसका किल कंफर्म करने के लिए गया और उसका किल कंफर्म कर लिया। तो इसके बाद जब अंदर जा रहा था तो यहाँ पे फिर 2 बंदा दिख गया, तो वहाँ पे फिर से गोली चलाई, एक बंदा नॉक हुआ और एक बंदा पीछे वाला बंदा को स्कोप इन करके मार दिया। चलो 2 किल और मिल गया, बढ़िया बात है, अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो इसके बाद अपन को DP भी मिल गया, थोड़ा 7 का बुलेट्स में मिल गया। उसके बाद हम लोग एक वेयर हाउस के अंदर आ गया था, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत फायरिंग हो रहा था तो और बंदे भी स्पॉट करना था। तो वहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ, तो हमने क्या किया, AKM की स्कोप इन करके उसके ऊपर स्प्रे किया और एक बंदा नॉक हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो और एक बंदा शायद उसको रिवाइव दे रहा था, हाँ वहाँ पर और एक बंदा था और रिवाइव कर रहा था। और हम लोग ने कन्फर्म किया वहाँ पर 2 ही बंदा है, तो एक बंदा अगर नॉक हो गया तो हम लोग का पूरा एडवांटेज है कि हम लोग रश कर दे। तो हम भी घूम के घुस गया, चलो रश करते हैं, ठीक है चलो। सो यहाँ पे और एक बंदा भी मर गया, तो ये लोग भी डाउन हो गया। और यहाँ पे मेरा सबसे बढ़िया गन जो लगता है M4, वो अपन को मिल गया। सो यहाँ पे अपन को M4 और M762 मिल गया। सो ये मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अपन को बेस्ट लगता है। तो मैं तो सेटिस्फाइड था भाई, मेरे को M416 मिल गया, M762 मिल गया, अच्छा फाइट ले सकते। इसके बाद हम लोग ने बहुत ट्राई किया बंदा स्पॉट करने के लिए लेकिन हम लोग नहीं कर पाया। बट जब इस ड्रॉप लोकेशन में हम लोग आया था जहाँ पे ड्रॉप गिरा था, तो वहाँ पे हम लोग को बंदा स्पॉट हुआ। तो हम लोग को तो फाइट लेना ही है, वो तो हम लोग का मैंडेटरी है। तो हम लोग ने ये घर ले लिया, ये घर से अब फाइट लेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। और मेरा साथ वाला जो बंदा था वो पिक करके एक बंदे को स्पॉट कर लिया था, सो इसलिए वो वहाँ से फाइट ले रहा था। तो जैसे ही वो फाइट लेने गया तो एक बंदा हम लोग के ऊपर रश कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी उसके ऊपर रश कर देते। जब बाहर गया तो साला हमने देखा वो भाग रहा था बगी लेके, लेकिन अपन भी उसको मार दिया। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जो था वो है मेरा साथ वाला बंदा, दो नेट खा के मर गया। तो अब हमको लगा कि वहाँ पे शायद मेरे ऊपर रश हो सकता है, लेकिन जब मेरा साथ वाला बंदा मतलब 2 नंबर हमको बोला कि वहाँ पे रिवाइव दे रहा था, तो वहाँ पे जाते ही एक बंदा को स्पॉट किया, उस बंदे के ऊपर स्प्रे किया। सेकेंड टाइम टपा टप स्प्रे देने के बाद वो बंदा नॉक। तो 2 बंदा अभी नॉक्ड है, ये एक एडवांटेज है मेरे लिए। तो अभी तीसरा बंदे के लिए जा रहा था, तो वो स्पॉट हो गया। वो ऊपर था पेड़ के सामने, तो पेड़ के सामने जाते ही उसको थोड़ा हिट लगी और अभी जब रिलोड कर रहा था तो अपन को भी हिट लगा। तो अभी हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाके रश करते हैं, और जब भी रश करना चाहते हो हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि अगर आप 1v1 फाइट करना चाहते हो तो हमेशा जंप करके ओपोनेंट का हेड में शूट करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जंप करके शूट कर रहे हो तो ओपोनेंट का जो एम है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एडवांटेज होता है वो बंदा को नॉक करने का। तो इसके बाद मेरे पास एक फ्लेयर था, और ये फ्लेयर मैं जोन के बाहर में मार दिया, क्योंकि देखो अभी मैं 16 वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, ऐसे ही मेरे पास कोई कवर देने वाला नहीं है। तो मुझको लगा कि BRDM अगर आ गया तो BRDM लेके जोन में जाऊंगा और थोड़ा एडवांटेज शायद मुझको मिलेगा। सो जब BRDM लेके हम जा रहा था तो वहाँ पे 107 में थोड़ी फाइट होने का आवाज़ आया और मैप में भी स्पॉट हुआ। तो मैं सोचा चलो वहाँ पे जाके फ़ाइट लेते। तो जब जा रहा था तो वहाँ पे बंदा देखा, बंदा देखने के बाद हम थोड़ा कोशिश किया पूरा सिचुएशन समझने का। जब सिचुएशन समझ में आया कि एक को वो रिवाइव दे रहे, तो हम सोचा एग्जिट मारते हैं और उसके ऊपर टपाटप रश मार देते। तो रश करने के बाद उसका किल भी मिल गया। किल आते जा रहे वो बड़ी बात नहीं है। सो सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 अलाइव है और मैं 16 हूँ, और मुझको लग रहा था यहाँ कि ये एक टीम ही अलाइव होगा, और मेरा लक इतना ख़राब था कि मैं कार में ही था, पूरा टीम मेरे सामने आ गया। पहले तो आप देख सकते हैं वो लोग कोई भी हमको स्पॉट नहीं कर रहा था, ठीक है, तो वो लोग भी ढूंढ रहा था मैं कहाँ पे हूँ। तो चलो बहुत बढ़िया, स्पॉट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ये देख सकते हैं एक टीममेट आया उसका, और वो फायर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही फायर करना शुरू किया मैं तो निकल पड़ा, लेकिन ये देख सकते पीछे से हमको मार दिया और मैं मर गया। चलो कोई ना, होता है, अपन भी खेलना सीख रहे हैं। चलो हारना जीतना इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।